What will be the cumulative frequency? मैम सबसे पहले हम जो फर्स्ट वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 आएगी, यस, फिर हम ऐड करी जाएंगे। ठीक, बोलते जाओ क्या। अगले में आ जाएगा 8, देन 8 प्लस 9 17, 29, 35, 4, 38, 40। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वन, सुहानी, अनम्यूट योरसेल्फ, टेल मी द वैल्यू ऑफ एन बाय टू। सुहानी अनम्यूट योरसेल्फ। सो अगेन आई कैन सी चलिए चाहत, सिमन, सिमन अनम्यूट योर सेल्फ बेटे। हर्षिता, हर्षिता अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम। एन बाय टू बताइए बेटे क्या आएगा। 20। एन बाय टू 40 है यहाँ पे हमारा, या इसका अगर आप सम टोटल करोगे दैट इज 40, तो दिस विल बी 20। वेरी गुड। नेक्स्ट कृषान, अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम। चलिए बच्चे नेक्स्ट स्टेप, मीडियन क्लास, एन बाय टू हमारा 20 आया है। अब 20 या 20 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास विल बी योर मीडियन क्लास। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करिए, विच वन विल बी द मीडियन क्लास। एन बाय टू आपका 20 है, यहाँ पे चेक करो जो 20 से 20 के इक्वल या 20 से नेक्स्ट जो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है दैट वन इज द मीडियन क्लास। तो 20 से फर्स्ट वाला जो अगर हमें, यस दैट इज 29, तो दिस वन इज योर मीडियन क्लास। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल कृषान, स्मॉल एल। 144.5। Yes, this is 144.5. Mehul, what will be the value of cumulative frequency? Mehul, unmute yourself. 29. Yes, cumulative frequency will be? 29. Frequency is the frequency preceding the median class. सिर्फ एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही प्रीसीडिंग क्लास की लेनी है, बाकी सब मीडियन क्लास का लेते हैं। सो व्हाट इट विल बी, 17। यस अमृत, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, अनम्यूट योरसेल्फ अमृत पाल, व्हाट विल बी द 29 मैम फ्रीक्वेंसी बच्चे, नॉट क्यूमुलेटिव, सॉरी सॉरी ना 12 मैम। यस इट विल बी 12। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एच, व्हाट विल बी द क्लास विड्थ, वन पार्डन 153.5 माइनस 144.5, इन दोनों का डिफरेंस यू कैन सी फ्रॉम हेयर ऑल्सो, यहाँ पे आपका डिफरेंस 8 आ रहा था, यहाँ हमने उसको 1 से इंक्रीज कर दिया, 0.5 इधर 0.5 इधर, तो
Class width will be 9. Difference of 9. Difference of these two. Now we are to find the median. All the values we are having, simply put the values and get your answer. Lower limit is 144.5. Then n by 2 is 20. Cumulative frequency is 17. Upon frequency is 12 and class width is 9. Now simplify this and get your answer. Length in millimeter, so this unit you will write down millimeter. So this was your exercise 14.3, question number 4. Rest of the questions were your homework part. So I hope you would have done. If any doubt is there from any of the homework parts, then you can ask. Homework parts may say, agar koi doubt hai, to aap pooch sakte hain. Otherwise, we are moving on to the next exercise. Aapki deleted hai, that is not in your syllabus. More than or less than wale sirf humne conversions karni hai, because wo one mark wale questions mein aapki aa jati hai. Jaise humne abhi ye kiya tha, question number 3 mein tha hamara, below 20, below 25 cumulative frequencies hame given thi, frequencies hame find out karni thi. To us tarike se aapka jo hai cumulative frequency distribution ka table aa sakta hai. बट जो आपके ऑजिव वाले ग्राफ हैं, दैट वन आर द डिलीटेड वंस. तो जो आपके ये ग्राफ हैं, ये नहीं करने हैं. बट जो टेबल है डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैं आपको करवा रही हूँ, दैट वी विल डू. अब जैसे क्वेश्चन है हमारा, सिर्फ इसमें हमने टेबल बनाना होगा, आगे और कुछ नहीं करना. एक्सरसाइज जो है वो डिलीटेड है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिलीटेड है. बट क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर इसमें था, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 जो था हमारा, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन हमें मीडियन वाले उसमें आ सकते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस हमने करनी है. तो इट मींस अगर हम ओवरऑल देखें, तो सिर्फ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू डू, उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दैट वी नीड नॉट डू. तो स्टेटमेंट है हमारी, अब 2-3 है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इनको लिख लेना नोटबुक में और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना. हमें गिवन है लेस देन 38, देन लेस देन 40. टू टू के गैप पे है ये, अप टू 52, लेस देन 42, लेस देन 44, 46, 48, 50 and 52. And the corresponding number of students हमें given है 0359, 14, 28, 32, 35. Statement मैं एक बार read कर रही हूँ. Main जो हमने concentrate करना है, that we are to concentrate on this table only. हमें given है during the medical checkup of 35 students of a class, their weights were recorded as follows. Weight है ये in kgs. Less than 38 कोई भी student नहीं था. Less than 43 students were there. 42 से less 5 students, then 44 से less 9, then 46 से less 14 and so on. अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इसका एक cumulative distribution बनाना है हमने. Cumulative frequency distribution we are to form for this, that table we are to form. So what we are to do, हमने इसको जो है change करना है. We can see from here that हमारे पास जो है वो 2-2 के gap पे हैं, जो weights हमें given है, और ये हमें number of students given है. जब हमें इस तरीके से less than की form में given होता है, तो it means we are given the cumulative frequency. इसके corresponding जो frequencies हैं, वो हमें calculate करनी है. उससे पहले
यहाँ पे भी इस वाले डाटा को हमने किस फॉर्म में लिखना है, वी आर टू राइट डाउन दैट इन द इंटरवल फॉर्म की, इंटरवल की फॉर्म में हमने इसको लिखना है. सो अब हमने क्या करना है यहाँ पे, जो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे, यहाँ पे 35 स्टूडेंट्स गिवन थे, उनका चेकअप हुआ. तो हमें जो है लेस देन 38, लेस देन 42 के गैप पे गिवन है, बट जो हमारा फर्स्ट वाला इंटरवल होगा वो हम 0 to 38 लेके चल रहे हैं, या 36 से 38 भी आप ले लोगे. इन केस अगर आपको फर्स्ट वाला जो इंटरवल है वो नहीं ही समझ आता कि कितने का लेके चलना है, तो इवन आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो. यू कैन राइट इट डाउन लेस देन 38, दैट वन इज आल्सो करेक्ट. तो अब 0, 36 से 38 फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी है जो हम वो एज इट इज ले लेते हैं, बाकी वाली का हम डिफरेंस लेके चलते हैं. नेक्स्ट क्या है, लेस देन 40. अब इस लेस देन 40 में ये 38 भी आ रहे हैं, तो इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि जो हमारे इंटरवल्स बनेंगे वो 2-2 के गैप पे बनेंगे. तो नेक्स्ट इंटरवल 38 तक यहाँ आ गया, इंटरवल आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो नेक्स्ट इंटरवल विल बी 38 to 40, दैट इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ दीज टू. तो 3 - 0 is 3. नेक्स्ट इंटरवल 42 42, उससे अगला इंटरवल होगा 42 to 44, देन 44 to 46, 46 to 48, then 48 to 50, and 50 to 52. अब यहाँ पे आ जाओ, 40 से 42 के बीच में 5 स्टूडेंट्स हैं, लेस देन 43 स्टूडेंट्स थे, यानी कि 40 से 42 के बीच में 5 - 3 दैट इज 2, देन 9 - 5 = 4, 14 - 9 = 5, 28 - 14, देन 32 - 28, एंड 35 - 32. So these are the corresponding frequencies given to us. Cumulative frequency हमें given है. आगे उन्होंने अगर median कहा है, median निकाल लो. अगर उन्होंने mean कहा है, you can find out mean. Mod कहा है, so you can find out mod also. तो यहाँ पे यानी कि एक तरह से cumulative frequencies से frequencies आपको खुद calculate करनी है. तो less than वाले case में आपने क्या करना है, जो आपको given है first वाली frequency as it is, बाकी जो है कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस लेके यू विल गेट. सो ये आपका लेस देन वाला मेथड है. नेक्स्ट जो है, वी आर गिवन मोर देन टाइप्स. अब मोर देन वाले में जो है मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मान लो ये मुझे गिवन है. तो अगेन मोर देन वाले में क्या होगा कि अब ये उल्टा गिवन होगा, यानी कि जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम बनता है वो आपको सबसे पहले गिवन होगा. तो यहाँ मान लो मुझे गिवन है मोर देन 50, मोर देन 55, 55 के गैप में है ये अप टू 75, देन मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75. इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे फ्रीक्वेंसीज गिवन है, दैट आर गिवन टू बी 198 90 78 then 54 and then 16. अब अगेन मोर देन है, देखो मोर देन 50 जो है कितने स्टूडेंट्स हैं, 100, then more than 55 कितने students हैं, 98, more than 60, 90, more than 65, 78, more than 70, 54, more than 75, 16. अब यहाँ ध्यान दो, more than 50 में ये सारे cases आपके आ रहे हैं, ठीक है, interval 5-5 के gap पे बनेगा. तो more than 50 को जब मैं rewrite करूँगी, तो that will be rewritten as 50 to 55. अब 50 to 55 में this 55 is not included, ये वाला 55 included नहीं है. और यहाँ वो क्या कह रहे हैं, more than 55 में कितने हैं, 98 students हैं. तो it means 50 to 55 में कितने students रह जाएंगे, जो इनका difference आएगा. तो 50 to 55 के corresponding जो मेरे पास frequency आएगी, that will be 2. Next 55 to 60. अगेन मोर देन 60 में वो कितने कह रहे हैं, 90 है. तो इट मीन्स 55 to 60 में कितने रह गए, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा.
लेस देन वाले केस में क्या करना है आपने, लेस देन वाले में क्या होता था, हम पहली वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखते थे, बाकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंस लेके चलते थे, बट जब हमें मोर देन गिवन होगा तो स्टार्टिंग ही हमने डिफरेंस से करनी है. 100 में फर्स्ट वाली नहीं लेके चलूंगी, 100 माइनस 98, 98 माइनस 90, 90 माइनस 78 एंड सो ऑन. और कहाँ तक हमने लेके जाना है इसको, 70 से लेके 75 तक लेके चलना है हमने. तो दिस इज 60 to 65, अगेन इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे आप, दैट इज 12, देन 65 to 70, देन दिस इज 24, एंड द नेक्स्ट वन 75, मोर देन 75 है तो 72 75 to 80 में लास्ट वाला जो है वो आपका रिपीट हो जाएगा. अब उल्टा लिया हमने एक तरह से, तो लास्ट वाला हमारा क्या हुआ, ये रिपीट हो जाएगा. मोर देन वाले में लास्ट वाला रिपीट करना है, लेस देन वाले में आपने जो फर्स्ट वाला है उसको रिपीट करना है, ये ध्यान देना है. बाकी सारे जो है वो डिफरेंसेस लेके चलने हैं. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी दैट वी हैव गॉट. अब तो आई गेस कि नाउ यू आर मोर क्लियर कि अब ये किस तरीके से बन रहे हैं. वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस वी विल टेक. हमें अब गिवन है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी. क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो मर्जी हो, जो भी आगे आपसे पूछा होगा, दैट यू विल डू. अब मुझे यहाँ स्टेटमेंट में गिवन है मोर देन और इक्वल टू जीरो. देन मोर देन और इक्वल टू 10 10 10 के डिफरेंस पे है ये, 20 देन 30 देन 40 एंड देन 50. एंड इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज गिवन है मुझे, that is given to be 63 58 55 51 48 42. ये values मुझे given है. अब चाहे mean निकालना है, चाहे median, चाहे mod, मुझे इसको जो है simplified form में लिखना ही पड़ेगा. इसको simplified form में लिखना ही पड़ेगा, यानी कि intervals बना के frequencies लिखनी है. तो फर्स्ट इज मोर देन और इक्वल टू जीरो में आई एम हैविंग टोटल 63 स्टूडेंट, देन मोर देन और इक्वल टू 10 में आई एम हैविंग 58, यानी कि 0 से 10 के बीच में ये डिफरेंस आ जाएगा. तो फर्स्ट इंटरवल मेरा बना 0 टू 10, सेकंड विल बी 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, एंड द लास्ट वन विल बी मोर देन और इक्वल टू, क्योंकि 50 में भी मेरे पास स्टिल 42 आर देयर, तो अगेन इसका जो है हमने डिफरेंस ले लेना है. सो 0 टू 10 में मेरे पास कितने आ जाएंगे, आई विल बी हैविंग दिस डिफरेंस, सो दैट इज 5. देन नेक्स्ट वन इज 3, देन नेक्स्ट वन इज 4, नेक्स्ट इज 3, नेक्स्ट वन इज 6, और लास्ट वन में रिपीटेड. अगर उन्होंने अप टू 50 ही कहा है, मोर देन और इक्वल टू 50 है क्योंकि, तो अगर मोर देन वाला इन केस अगर मतलब लास्ट में सम हाउ उन्होंने कुछ कंडीशन दे दी, तो ये वाला इंटरवल उस टाइम पे हम स्किप कर देते हैं. अदरवाइज क्योंकि मोर देन और इक्वल टू 50 है, तो 10 10 के गैप पे हम ले रहे हैं, तो 50 टू 60 वाले में जो लास्ट वाला होता है दैट वी यूज टू रिपीट. तो यहाँ पे लास्ट वाले में उस टाइम पे क्या आ जाएगा आपका 42. तो ये ध्यान रखना है आपने. तो ये मोर देन और लेस देन वाले थे आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस जिनको आपने इंटरवल फॉर्म में लिखा. इफ यू स्टिल वांट मी टू गिव यू मोर प्रैक्टिस फॉर दिस, तो आई कैन टेक 2-3 मोर एग्जांपल्स. अदरवाइज फ्रॉम माय साइड दीज वर द एग्जांपल्स कि किस तरीके से आपने इनको जो है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इनका बनाना है. अगर आपको मोर देन या लेस देन वाली फॉर्म गिवन है, लेस देन में बिलो भी लिखा आ सकता है, बिलो या लेस देन सेम मेथड फॉलो करोगे. मोर देन और अबव लिखा आ सकता है, सेम मेथड फॉलो करोगे. जो आपके लेस देन वाले हैं उसमें फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, तो फर्स्ट वाले को आप रिपीट करोगे, बाकी डिफरेंसेस लेके चलते जाओगे. जो मोर देन वाला है उसमें स्टार्टिंग में डिफरेंस लेके चलोगे, लास्ट वाले को आप रिपीट करोगे. तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है. If any doubt is there in this, then you can ask for the doubt. Otherwise, I'm starting with the next chapter now, chapter number 11.
कंस्ट्रक्शंस. अगर इसमें कोई डाउट है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट. यू आर हैविंग द ऑप्शन टू अनम्यूट. इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क फॉर योर डाउट. और मोर देन और लेस देन वाले जो हैं आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द चैप्टर 11. पेज नंबर है आपका 216 कंस्ट्रक्शंस. इसमें आपका जो है हम करेंगे एक गिवन रेशियो होगी हमें उसमें लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है. वैसे इसमें आपका जो है ट्राइंगल्स एक ट्राइंगल अगर आपको गिवन है उसके सिमिलर ट्राइंगल भी आपको ड्रॉ करनी आ सकती है. बट दैट टॉपिक इज डिलीटेड. यानी कि एक्सरसाइज 11.1 में से ओनली फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इन योर सिलेबस. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डिलीटेड. यू नीड नॉट डू दैट. एंड एक्सरसाइज 11.2 टेंजेंट्स की कंस्ट्रक्शन है दैट वन इज फुल. तो वो पूरी करनी है. और जो आपका 11.1 है उसमें ओनली फर्स्ट क्वेश्चन वी आर टू डू. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डिलीटेड. सो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका कर रहे हैं. मेथड इसी के साथ ही मैं आपको बताऊंगी. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8. मेजर द टू पार्ट्स. उसके बाद हमने क्या करना है जब डिवीजन हो जाएगी दोनों पार्ट्स को हमने मेजर करना है. एंड वी विल सी कि जब हम उनको एक रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 5:8. सो इफ यू आर नॉट हैविंग योर कंस्ट्रक्शन मटेरियल विद यू तो क्विकली टेक इट आउट ले लो. घर पे ही हो तो यू कैन इजीली टेक इट. This is your chapter 11, exercise 11.1. Question number 1 we are to do. Draw a line segment 7.6 centimeter and divide it in the ratio 5:8. पहले method देख लो दिल्ली इसको बनाने का क्या है. जितनी भी line segment given होगी वो line segment आप draw कर लोगे. उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे acute angles बना लेने point A पे point B पे. जो भी एंगल आप बनाओगे आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है बोथ ऑफ दैट एंगल्स शुड हैव द सेम वैल्यू. अगर यहाँ आपने 60 डिग्री का बनाया है तो इधर भी 60 का बनाओगे. 30 का बनाया है तो इधर भी 30 का बनाओगे. 80 का बनाया है तो इधर भी 80 का बनाओगे. क्योंकि बाद में जब हम इसको जस्टिफाई करते हैं तो जस्टिफिकेशन में एक ये पॉइंट हम लेके चलते हैं कि बोथ ऑफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल. हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं. जो हमारी लाइन सेगमेंट जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उस लाइन से जिस लाइन से हम इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं दो ट्राइंगल्स हमारी बन जाती हैं. और उन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर शो करके शो करते हैं कि ये रेशियो जो आपकी है दैट विल बी 5:8. तो इसलिए यहाँ पे जो दोनों एंगल्स आप बनाओगे दैट शुड हैव द सेम मेजर. अगर ऊपर आपने 60 डिग्री का लिया है तो नीचे वाला एंगल भी आप 60 डिग्री का लोगे. उसके बाद जो रेशियो हमें गिवन होती है जैसे इस केस में मुझे रेशियो गिवन है 5:8. पहले वाला जो आपका नंबर है वो आपने इस वाले पे लेना है. जो आपका दूसरा नंबर है वो इस पे लेना है. ये ध्यान रखना क्योंकि मुझे 5 इस साइड चाहिए 8 इस साइड चाहिए. तो रेशियो क्या है 5:8. उसके बाद हमने क्या करना है एंगल्स बनाने के बाद अपनी कंपस को खोल लो और यहाँ पे जो नंबर गिवन है उतनी आर्क्स आप इधर लगा. 5 गिवन था मैंने 5 आर्क्स लगा ली. इधर 8 गिवन है उतनी ही कंपस खुली रहेगी. कंपस का जो रेडियस है सिलेक्टेड वन वो आपने चेंज नहीं करना है ये ध्यान रखिएगा. सो इधर भी आप सेकंड नंबर आपका 8 है तो इधर आपने क्या करना है 8 आर्क्स लगा लेंगे. इनकी नेमिंग दे देंगे A1 A2 A3 A4 एंड A5 और इधर नेमिंग दे दो B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 एंड B8. अब हमने क्या करना है इसकी लास्ट वाली आर्क और इसकी लास्ट वाली आर्क को ज्वाइन करते हैं जहां भी ये ज्वाइन हो रही है. क्योंकि सबने मेजर अलग लिया होगा तो जरूरी नहीं है ये लाइन आपकी सीधी आई. ये लाइन आपकी टिल्टेड वन भी आ सकती है स्लांट भी आ सकती है. तो आपने क्या करना है इधर से लास्ट वाली और इधर से लास्ट वाली ज्वाइन कर देनी है. एंड दिस साइड वी आर हैविंग 5 पार्ट्स दिस साइड वी आर हैविंग 8 पार्ट्स. उसके बाद मेजर करना है आपने
तो आपको ये टोटल लेंथ 7.6 गिवन थी, तो जो आपका लेट अस सपोज कि ये पॉइंट सी पे डिवाइड हो रहा है, सी पॉइंट जो है इसको 5:8 में डिवाइड कर रहा है, तो आपको ए सी और सी बी की जो रेशियो है वो शो करना है, दैट इज इक्वल टू 5:8। अब हमने क्या करना है, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने दोनों इक्वल ड्रॉ किए थे, ये वाले दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट, हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी कंस्ट्रक्शन को, ये वाला एंगल वन और एंगल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे, तो बाय ए सिमिलरिटी बोथ ऑफ दीज जो आपकी ट्राइंगल्स हैं दे विल बी सिमिलर, ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स हैं दे विल बी प्रोपोर्शनल। अब साइड्स प्रोपोर्शनल में मैंने ये 5 लिया है और ये 8 लिया है, ठीक है, तो इट मीन्स कि सभी साइड्स की जो रेशियो है दैट विल बी 5:8, इट मीन्स ये वाली जो रेशियो थी That is 5:8। तो ये हमारी जस्टिफिकेशन हो गई, कंस्ट्रक्शन करके फिर मैं जस्टिफाई आपको जो है करवाऊंगी, जस्ट मैंने अभी समझा दिया। ट्राइंगल इसको हम अगर ले लेते हैं ए ए 5 सी और दूसरी ट्राइंगल ली हमने इधर से बी बी 8 एंड सी, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर होंगी, क्यों, क्योंकि ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा बाय कंस्ट्रक्शन, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये दोनों एंगल्स जो है वो आपने सेम लेने हैं, क्योंकि अगर आप सेम नहीं ले रहे हो तो आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, तो बाय ए सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल्स आपकी सिमिलर हो गई, ट्राइंगल्स आपकी सिमिलर हो गई तो इट मीन्स कि साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो ए ए 5 अपॉन बी बी 8 इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी, यानी कि ए सी अपॉन सी बी, क्योंकि ये मैंने 5 और 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो इट मीन्स ए सी अपॉन सी बी की जो हमारी रेशियो आई है दैट इज इक्वल टू 5:8, 5:8, तो इट मीन्स हमने ए बी को डिवाइड कर दिया इन द रेशियो 5:8। तो अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो कंस्ट्रक्शन वी विल डू टुमारो, मेथड आई हैव टोल्ड यू, सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ करनी है, देन लाइन के एंड पॉइंट्स पे एक एंगल आपने ऊपर की तरफ बनाना है, एक एंगल आपने नीचे की तरफ बनाना है, उसके बाद जो रेशियो गिवन है रेशियो का जो फर्स्ट वाला नंबर होगा वो आपने ऊपर वाली तरफ लेना है, जो रेशियो का सेकेंड वाला नंबर होगा वो आपने नीचे की तरफ लेना है, इसी में जो है फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो आर्क्स थी दोनों की लास्ट वाली आर्क्स को ज्वाइन कर देना है, सेम वाले में आप जो है ये साइड लेके नीचे की तरफ एक एंगल ड्रॉ करके भी इसको 5:8 में डिवाइड कर सकते हो। मैं आपको दोनों मेथड्स करवाऊंगी, आपको जो मेथड इजी लगेगा यू कैन गो फॉर दैट मेथड, तो मेरे हिसाब से बच्चों को ये वाला इजी लगता है, तो बट आपको जो भी इजी लगेगा यू कैन गो फॉर दैट, मैं दोनों मेथड्स करवाऊंगी। सो एज द बेल हैज गॉन सो वी विल स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज टुमारो ओनली, कांसेप्ट आई हैव गिवन मैम। हां जी बेटा। मैम जो आपने लाइन बनाई है ए बी में वो हम किसी भी लेंथ की बना सकते हैं ना, दिस वन यस में कोई ये yes, क्या ये नो मैम ए बी हमें गिवन है, इट्स गिवन टू बी 7.6 सेंटीमीटर, इन केस इफ इट इज नॉट गिवन फिर आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, ठीक है, फिलहाल इस हमें ये 7.6 सेंटीमीटर गिवन थी तो ए बी आप 7.6 सेंटीमीटर ही लोगे, कल मैं बनवाऊंगी मेरे साथ साथ बनाना आप लोग, ठीक है, ओके मैम, ओके बच्चे, ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेस्ट आई हैव टोल्ड यू, यू आर हैविंग योर टेस्ट ऑफ चैप्टर सर्कल्स, उसमें भी एक्सरसाइज 10.2 आपकी जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10.1 में 1-1 मार्क वाले क्वेश्चंस आर नॉट देयर इन योर सिलेबस दिस टाइम, उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस जो है वो कंबाइन करके बड़े जरूर कर सकते हैं, तो कंसेप्ट शुड बी क्लियर टू यू, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।